इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की टोला को देखते हैं जो अपने स्कूटर से कहीं जा रही होती है, पर इतने में गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं और टोला को किडनैप करने के लिए उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर टोला का पेट ऑटिन आ जाता है। वो एक डिवाइस से टोला के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और खुद उन आदमियों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑटिन दो आदमियों को आसानी से हरा भी देता है, लेकिन फिर बाकी के लोग वेपन निकाल लेते हैं तो ऑटिन अपने आईजी मोड में जाने लगता है, जिससे वो आसानी से उन गुंडों से फाइट कर सके। पर ऑटिन आईजी मोड में जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि वो पूरी फाइट एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट है। टुंडा जो कि एक इंजीनियर है, वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जिससे लोग सेफ रह सके, क्योंकि टुंडा को पता है कि उनकी कंट्री दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। फिर हमें पता चलता है कि टुंडा टोला का फादर है और टुंडा की टेक्नोलॉजी की वजह से टोला की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है और आज वो काफ़ी खुश भी है, क्योंकि आज टोला के फादर टुंडा उससे मिलने आने वाले हैं। अपने फादर को खुश करने के लिए टोला कई सारी तैयारियां भी करती है और फ्लाइंग कार से जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है। कुछ देर वहां पर वेट करने के बाद टुंडा सामने से आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उसकी तरफ भागते हुए पहुंच जाती है। वो अपने फादर से मिलकर काफी खुश थी, पर टुंडा उसे डांटने लगता है क्योंकि वो एयरपोर्ट पर अकेले भाग रही थी और उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ कोई था तक नहीं। और फिर वो दोनों घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ जाते हैं, पर टुंडा को पता तक नहीं था कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। फिर वो आदमी, जिसका नाम बाडी है, वो अपने साथियों के साथ उसके घर तक उसका पीछा करता है। घर जाते हुए टुंडा रेडियो चालू करता है, जिस पर न्यूज आ रही थी कि सिटी से आज वापस एक और बच्चा किडनैप हो गया। और तभी टोला को समझ आता है कि उसके फादर क्यों उसे अकेले जाने की वजह से डांट रहे थे। इसीलिए टोला अपने फादर से माफी मांगती है और कहती है कि वापस से ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और टोला ने अपने फादर के लिए कपकेक बनाए थे, पर उसके फादर अपनी कॉल में इतना ज्यादा बिजी थे कि वो एक बार टोला के कपकेक की तरफ देखते तक नहीं। तो उसे लेकर वो अपने फादर के सामने आ जाती है, पर टुंडा उसे बताता है कि आज रात वो उसके साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे किसी अर्जेंट काम से जाना है। ये जानकर टोला काफी अकेली हो जाती है। तभी टोला कोल को देखती है। कोल उसके घर में काम करता है और उसका अच्छा दोस्त भी है। कोल को टोला का बर्थडे याद था और वो दोनों काफी साथ में मजे करते हैं, जिसकी वजह से अब टोला को पहले से काफी बेहतर लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ टुंडा लगातार अपने आईजी मोड पर काम कर रहा था, पर काफी मेहनत के बाद भी टुंडा ऑटिन को सही से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसके पास उसके बॉस की कॉल भी आती है, जो टुंडा को जल्दी से उसका प्रोजेक्ट खत्म करने की कह रहा था। मिसेस उस्मान टुंडा को एडवाइस देती है कि ऑटिन को बॉस को दिखाने से पहले उसे एक बार ऑटिन को टेस्ट कर लेना चाहिए। तो टुंडा ऑटिन को टोला को दे देता है, क्योंकि टोला को हमेशा से एक पेट चाहिए था। पर टोला इतनी ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे एक डॉग चाहिए था और उसे एक लिजार्ड मिला है। फिर हमें बाडी के बारे में बताया जाता है, जो कि बचपन में काफी गरीब था और उसकी फैमिली के पास खाने के लिए भी पैसे तक नहीं होते थे। और उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बिल्कुल गरीब। इसीलिए बड़े होकर बाडी ने अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करके उनसे पैसे कमाना शुरू कर दिया। वो हमेशा अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपने साथियों में बांट देता था। दूसरी तरफ टोला कोल के साथ अब काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और वो उसके साथ काफी सारे गेम्स भी खेलती है। टोला को पता चलता है कि उसके फादर देर रात तक काम करने वाले हैं, इसीलिए आज वो जल्दी नहीं आएंगे। इसीलिए वो कोल को रात में खाने पर इनवाइट करती है। वहीं बाडी को पता चलता है कि टुंडा कंट्री की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी में काम करता है, इसीलिए वो टुंडा को ही अपना अगला टारगेट बनाने का डिसाइड करता है। वहीं कोल टोला के साथ खाना खा रहा होता है, तभी वहां पर टुंडा आ जाता है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है कि उसका एक नौकर उसकी बेटी के साथ टेबल पर खाना खा रहा है। वो कोल को काफी सुनाता और वापस काम पर जाने का ऑर्डर देता है। टोला कोल को बचाने की कोशिश करती है, पर टुंडा उसकी भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोल सिर्फ उसकी बेटी की अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसी रात कोल अपने घर पर जा रहा होता है, पर काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी उसकी बस आती है, पर उसे पता चलता है कि बारिश की वजह से बस वाले ने टिकट की प्राइस डबल कर दिए हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से उसे बारिश में भी पैदल घर जाना पड़ता है। तभी कोल के पास बाडी का कॉल आता है, जो उससे मिलना चाहता था, और हमें पता चलता है कि कोल बाडी से उसके मदर की वजह से मिला था। कोल की मदर को उसकी स्टडी पूरी कराने के लिए पैसों की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो बाडी से पैसे उधार लेने गई थी। कोल हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था, पर पैसे उधार लेने के कुछ टाइम बाद ही कोल की मदर बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और बाडी को लौटाने के लिए भी। कोल को लग रहा था कि बाडी अब की बार की पेमेंट जल्दी लेना चाहता होगा, इसीलिए जो भी उसने थोड़े से पैसे जमा कर रखे थे उन्हें लेकर वो बाडी के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है। पर बाडी उसे बताता है कि अभी उसके पास पैसे वापस करने के लिए इस महीने के आखिर तक का टाइम है। फिर वो कोल से बात करने लगता है, क्योंकि बाडी को पता था कि कोल टुंडा के मेंशन पर काम करता है।
वो कोल से टोला को किडनैप करने में मदद मांगता है, पर कोल अपने दोस्त को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए पूछता है कि अगर उसने टोला को किडनैप करने में मदद की तो उसके साथ क्या होगा। जिस पर बाड़ी बताता है कि वो उसके फादर से पैसों की डिमांड करेंगे और पैसे मिलते ही टोला को वापस कर देंगे। फिर बाड़ी कहता है कि अगर कोला टोल को किडनैप करने में मदद करता है तो वो उसकी मदर के सारे मेडिकल खर्च भी उठाएगा। ये सुनकर कोल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कोल को पता था अगर उसकी मदर को सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी मदर ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर सोचने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन टोला हमेशा से सिटी की दूसरी साइड जाना चाहती थी, क्योंकि वो वहाँ पर कभी गई नहीं थी। कोल टोला को वहाँ पर ले जाने की कहता है और ये जानकर टोला काफी खुश भी होती है। फिर वो दोनों सिटी की दूसरी साइड पहुँच जाते हैं, पर कोल को ये नहीं पता था कि ऑटिन भी उनका पीछा कर रहा है, जिससे अगर कुछ गलत होता है तो वो टोला की मदद कर सके। हालांकि वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर फिर भी टोला को वहाँ काफी मजा आता है और वो कोल को थैंक्स करती है, क्योंकि उसी की वजह से टोला को इतना नया एक्सपीरियंस करने को मिला था। अब ये सुनकर कोल और भी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जल्दी टोला को बुरे लोगों के हवाले करने वाला है। उसे याद आने लगता है कि उसने टोला के साथ कितना अच्छा टाइम बिताया है और टोला हमेशा कोल के साथ कितनी अच्छी रही है, और तभी उसका मन बदलता है और वो जल्दी से टोला को चलने की कहता है। टोला को समझ नहीं आता कि कोल अचानक से ऐसे चलने के लिए क्यों कह रहा है, और फिर वो दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी बाड़ी का एक साथी वहां पर आ जाता और कोल टोला को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर वो आदमी कोल को पकड़ लेता और टोला कोल को बचाने के लिए उस आदमी को मारने लगती है। तभी ऑटिन उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी बैटरी खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से ऑटिन एक नोटिफिकेशन टूंडा के पास भेजता है। वहीं टोला को पता चलता है कि अगर वो जल्दी से नहीं गई तो वो लोग उसे किडनैप कर लेंगे, इसीलिए टोला वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो थोड़ा दूर आ जाती है और तभी वो एक लेडी से मदद मांगती है, पर उसे पता नहीं था कि वो लेडी जिसका नाम हैप्पीनेस है वो बाड़ी की राइट हैंड है। वहीं टूंडा जब नोटिफिकेशन देखता है तो वो पूरे घर के कैमरा में टोला को ढूंढने लगता है, पर टोला कहीं भी दिख नहीं रही थी। तभी टूंडा के पास एक वीडियो आती है जिसमें टोला एक रूम में थी। फिर टोला के पास एक होलोग्राम आता है जिसमें टूंडा को पता चलता है कि टोला को किडनैप कर लिया गया है और उसके बदले में वो लोग अगले 2 घंटों में 150 मिलियन की मांग करते हैं। वहीं टोला सोच रही होती है कि कोल काश ठीक हो। तभी हैप्पीनेस टोला के पास आती है और टोला को अपने बॉस के पास ले जाती है। टोला बाड़ी के पास जाती है, जहाँ पर बाड़ी उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों का चुनाव ध्यान से करे। वहीं कोल सोच रहा होता है कि बाड़ी जरूर उससे बदला लेने के लिए उसकी मदर को तकलीफ पहुँचाएगा, इसीलिए वो काफी परेशान दिख रहा था। दूसरी तरफ ऑटिन जमीन पर पड़ा होता है, तभी एक लड़की उसे उठा लेती है और ऑटिन पर अपनी घड़ी बांध देती है, जिससे ऑटिन को थोड़ी चार्जिंग मिल गई थी। टूंडा काफी परेशान था और उस होलोग्राम के पिक्चर पुलिस में भी दिखाता है वो, पर कोई भी जल्दी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए टूंडा अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो कि अब पुलिस में था, और उसे सारी बात बताता है। टूंडा ने उससे पिछले कई सालों से बात तक नहीं की थी, और ये जानकर कि अब भी टूंडा अपनी सिर्फ मदद के लिए आया है तो वो आदमी काफी नाराज हो जाता है और उसकी मदद करने से मना करके वहां से चला जाता है। अब टूंडा 150 मिलियन लेकर किडनैपर के कॉल का इंतजार कर रहा था, तभी वापस से वही होलोग्राम आता और किडनैपर को पता चल चुका था कि टूंडा पुलिस के पास गया था, इसीलिए किडनैपर ने रेट बढ़ा दिया था और अब किडनैपर 250 मिलियन मांग रहा था। टूंडा बताता है कि वो अभी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, पर बाड़ी को पता था कि टूंडा जिस कंपनी में काम करता है वहां उसके भी शेयर्स हैं, इसीलिए बाड़ी उन शेयर्स को उसके नाम कर देने की कहता है और वो धमकी देता है कि वरना वो टोला को मार देगा। पर तभी टूंडा को ऑटिन से एक सिग्नल मिलता है और टूंडा उसके पीछे जाता है। वहीं कोल बाड़ी के लोगों से छुपने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एक आदमी कोल को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर भी वो अटैक करने लगता है। कोल उससे बचने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाता और वो मरने ही वाला होता है। पर तभी वहां पर ऑटिन आ जाता और उसे बचा लेता है। फिर ऑटिन कोल से पूछता है कि टोला कहाँ पर है, और हमें पता चलता है कि ऑटिन एक रोबोट है जिसमें सोचने और समझने की पावर्स है, और ऑटिन का काम टूंडा और उसकी फैमिली को सेफ रखना है। कोल ऑटिन को बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि टोला किडनैप हो चुकी है। वो बताता है कि सिर्फ वही आदमी है जिसे पता है कि टोला कहाँ पर है। अब ऑटिन उस आदमी का पीछा करने लगता है, पर वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि वो देख चुका था कि ऑटिन क्या क्या कर सकता है। फिर वो आदमी एक फ्लाइंग कार में चला जाता और वहां से भागने लगता है, पर ऑटिन अपनी जीभ की मदद से कार से चिपक जाता और उसके साथ ही जाने लगा था। तभी उस जगह पर टूंडा भी आ जाता है और फिर कोल उसे बताता है कि ऑटिन उन लोगों के साथ गया है जिन्होंने टोला को किडनैप किया, और यहाँ पर कोल से सच छुपाया नहीं जा रहा था, और वो बता देता है कि उसने ही बाड़ी की मदद की थी टोला को किडनैप कराने में। ये सुनकर टूंडा काफी परेशान हो जाता है, पर कोल बताता है कि अब वो उनकी टोला को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। वहीं वो आदमी बाड़ी के पास पहुंच चुका था
और उसे हर बात बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, पर अभी तक उन्हें नहीं पता चला था कि ऑटिन उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका है। और तभी टोला को भी ये पता चलता है कि उसके दोस्त ने ही उसके किडनैप कराने में मदद की है। फिर टोला को उसके रूम में ले जाया जा रहा था, तभी ऑटिन भी अंदर घुस जाता है। ऑटिन टोला से बात करने लगता है, पर बोलते हुए लिजार्ड को देखकर टोला चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर चेक करने के लिए हैप्पीनेस आ जाती है कि वो चिल्लाई क्यों। टोला उससे झूठ कह देती है कि उसने अपने पास चूहा देखा। हैप्पीनेस के जाने के बाद ऑटिन टोला से बात करने लगता है और बताता है कि उसके पास सिर्फ 4% बैटरी रह गई है, पर अब भी ऑटिन टोला से बात कर सकता है। फिर ऑटिन बताता है कि टोला की मदद करने के लिए उसे आईजी मोड में जाना होगा, पर ऑटिन आईजी मोड में सिर्फ तभी जा सकता है जब वो पूरा चार्ज होगा। ऑटिन के सिग्नल का पीछा करते हुए टूंडा और कोल उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ टोला थी, पर वहाँ पर कई सारे गुंडे थे और टूंडा को पता था कि वो उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकता। तभी कोल बताता है कि उसके मदर ने हमेशा उसे बाड़ी जैसे लोगों के साथ होशियार रहना सिखाया है, इसीलिए वो हमेशा बाड़ी की हर बात को रिकॉर्ड कर लिया करता था। और फिर वो दिखाता है कि उसके पास बाड़ी की वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो टोला को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। अब ये जानकर टूंडा काफी खुश हो जाता है और उस रिकॉर्डिंग को बाड़ी के पास भेजकर उससे कहता है कि अगर उसने टोला को वापस नहीं किया तो वो इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को भेज देगा। अब अपना प्लान खराब होता देख बाड़ी काफी परेशान होने लगता है और वो देखता है कि कोल और टूंडा तो बाहर ही हैं, तो बाड़ी टूंडा को फोन करके बिजी करता और अपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है और वो काफी आसानी से उन दोनों को पकड़ भी लेता है। फिर वो कोल को भी टोला वाले सेल में डाल देता और टूंडा को दूसरे सेल में। टोला कोल को देखकर उससे बात नहीं करती। कोल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया अपनी मदर को बचाने के लिए किया क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, पर टोला कहती है कि उसके पास दूसरे रास्ते भी हो सकते थे, जिस पर कोल टोला को समझाने की कोशिश करता है कि उसके जैसे गरीब लोगों को रोज जिंदा रहने के लिए फाइट करनी पड़ती है, इसीलिए वो कभी समझ नहीं सकती कि उस पर क्या बीत रही है। तभी कोल ऑटिन को देखता है और उसे देखकर ही समझ जाता है कि ऑटिन की बैटरी खत्म होने वाली है। वहीं बाड़ी टूंडा को अपने सामने लाता और अब उसके पास वो पैसों वाला बैग भी था जो टूंडा की कार में था। टूंडा उससे कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो अब वो टोला को छोड़ दे। पर बाड़ी के पास टूंडा के लिए दूसरे प्लान्स भी थे। वो टूंडा को बताता है कि उसे उसकी कंपनी के हर एम्प्लॉय और हर क्लाइंट की डिटेल चाहिए, पर टूंडा कहता है कि ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन है, इसके लिए उसे कंपनी के सर्वर को हैक करना होगा। तो वो सभी टूंडा के घर पर जाते हैं क्योंकि सिर्फ वहीं से टूंडा कंपनी के सर्वर को हैक कर सकता था। बाड़ी और टूंडा ऑफिस में चले जाते हैं और टोला और कोल को टोला के रूम में बंद कर दिया जाता है। कोल बताता है कि उन्हें किसी भी हालत में ऑटिन को चार्ज करना होगा। टोला बताती है कि चार्जर तो सिर्फ उसके फादर के ऑफिस में होगा। ऑफिस से चार्जर लाने के लिए टोला रोने की एक्टिंग करने लगती है, इसीलिए टोला को उसके फादर के पास ले जाया जाता है और वहां जाकर टोला चुप हो जाती है। फिर चुपके से टोला चार्जर अपने पास रख लेती है और बाथरूम के बहाने वहां से चली आती है। और फिर वो दोनों मिलकर बाड़ी के एक आदमी को बेहोश कर देते हैं क्योंकि उसने उनका प्लान देख लिया था। फिर वो दोनों ऑटिन को चार्ज कर देते हैं, लेकिन तभी हैप्पीनेस उन्हें देख लेती है और वो टोला को मारने वाली थी। और तभी वहाँ ऑटिन आ जाता है जो अब फुल चार्ज हो चुका था और वो टोला को बचाने के लिए आईजी मोड में भी चला जाता है, जिसके बाद ऑटिन हैप्पीनेस से फाइट करने लगता है। और हैप्पीनेस काफी जल्दी समझ जाती है कि वो ऑटिन से जीत नहीं सकती, इसीलिए वो बाड़ी के बाकी गुंडों को भी बुला लेती है। तभी टोला अपने फादर के पास जाती है और देखती है कि उसके फादर को बाड़ी मार रहा है क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी टूंडा सर्वर को हैक नहीं कर पाया। अब टोला अपने स्मार्ट लेंस की मदद से बाड़ी की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है कि कैसे वो अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करके पैसे लेता है, और इस रिकॉर्डिंग को वो इंटरनेट पर डाल देती है जिससे पुलिस के पास भी ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है और पुलिस टूंडा के घर के बाहर आ जाती है। बाड़ी वहां से भागने की कोशिश करता है पर ऑटिन वहां पर आकर उसे बांध देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोला और कोल भी वापस से दोस्ती कर लेते हैं और टूंडा उसकी पढ़ाई और उसकी मदर का मेडिकल खर्चा उठाने का वादा भी करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।